राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के शहरों में होने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जयपुर से आए राजेश मालाकार की टीम ने झज्जर पहुंची और मालिका अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में स्वच्छता के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया और कागजातों की भी जांच की। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के संबंध में पालिका द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, इसके लिए जनता से फीडबैक लेने के लिए एक टीम झज्जर में और आएगी, जो आमजन से बातचीत कर और स्वच्छता के किए गए प्रबंधों का भी जायजा लेगी। इस संबंध में पालिका सचिव नरेंद्र सैनी ने बताया कि स्वच्छता रैंकिंग के लिए सेंटर से आई टीम ने मीटिंग ली। मीटिंग में सफाई व्यवस्था के क्या प्रबंध किए गए हैं उनकी जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पालिका पूरे प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि स्वच्छता रैंकिंग में झज्जर शहर को अच्छे अंक मिलेंगे। झज्जर से सोनू धनकर, आजाद टीवी। झज्जर शहर में हमने इस रैंकिंग में श्रेष्ठ मार्क लाने के लिए काफी दिनों से तैयारियां शुरू कर रखी है और जिसका असर शहर में दिख भी रहा है। लोगों को घर घर जाकर भी जागरूक किया जा रहा था, तो हमें उम्मीद है कि झज्जर शहर इस स्वच्छता रैंकिंग में अच्छे नंबर लेकर पास होगा।